हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। यूजीसी की गाइडलाइन आउट हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय से सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि यूजीसी की गाइडलाइन कब तक आएगी। सभी कॉलेज को और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ को भी इंतजार था यूजीसी गाइडलाइन का। तो फाइनली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइन आ चुकी है। एग्जामिनेशन को लेकर, नए एकेडमिक कैलेंडर को लेकर, न्यू सेशन को लेकर गाइडलाइन आउट हो चुकी है। तो एग्जामिनेशन वाले पॉइंट में क्या क्या बात कही गई है इस स्टूडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। किस किस की एग्जाम होना अनिवार्य है, किसके लिए ज़रूरी नहीं है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर करूंगा। और आप भी रेगुलर कमेंट कर रहे हैं लास्ट वीडियोस पे, सर गाइडलाइन आ गई है, सर गाइडलाइन आ गई है, तो आप एक वीडियो बना दो। तो एक प्रॉपर वीडियो में बना रहा हूं, आपको अच्छे समझा दूंगा कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी ने क्या बोला है, क्या जरूरी है, क्या नहीं है, कैसे आपकी एग्जाम होनी चाहिए, कब तक एग्जाम होनी चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिस तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर यूजीसी की फाइनली गाइडलाइन आ गई है, और यूजीसी की गाइडलाइन अगर आप देखोगे तो एग्जामिनेशन में उन्होंने साफ-साफ कहा है कि अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो लेना अनिवार्य है सभी विश्वविद्यालयों को, सभी कॉलेज को। और यही जो गाइडलाइन थी वो लास्ट सेशन में भी थी, तो सेम ही गाइडलाइन है इस सत्र में भी, सेम ही गाइडलाइन आई है। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि आपको फाइनल ईयर की एग्जाम तो लेनी होगी। और आपको सभी को बताया कि ज्यादातर विश्वविद्यालयों का जो है टाइम टेबल आउट हो चुका है, राजस्थान विश्वविद्यालय का भी टाइम टेबल आ चुका है, फाइनल ईयर की एग्जाम कंडक्ट हो रही है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो फाइनल ईयर की एग्जाम है वो आपको 31 अगस्त से पहले पहले कंडक्ट करानी है। तो यहां पर सभी का, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का टाइम टेबल आ चुका है, जिनका नहीं आया है उनका टाइम टेबल आ जाएगा। यूजीसी ने कह दिया सभी यूनिवर्सिटीज को, सभी कॉलेज को कि एग्जामिनेशन जो है 31 अगस्त से पहले पहले होनी चाहिए, तो अब आपको एग्जामिनेशन तो करानी होगी। तो यहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय का टाइम टेबल आ चुका है, जल्द ही एडमिट कार्ड आएंगे और आपकी एग्जाम भी 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। 29 जुलाई से 4 सितंबर तक आपकी एग्जाम चलेंगी। अब यहां पर बात करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए यूजीसी ने क्या कहा है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए यूजीसी ने कहा है कि जिस प्रकार से लास्ट सत्र में बच्चों को प्रमोट किया गया था, उसी प्रकार से इस सत्र में भी यूनिवर्सिटीज अपने स्तर पर बच्चों को प्रमोट कर सकती है। अगर परिस्थितियां सामान्य नहीं है तो वो अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है, जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि फर्स्ट ईयर को जनरल प्रमोट किया है और सेकंड ईयर को और प्रीवियस ईयर को एमए एमएससी एमकॉम जो पीजी प्रीवियस ईयर है उनको प्रोविजनल प्रमोट किया है। सेकंड ईयर यूजी सेकंड ईयर और पीजी प्रीवियस को प्रोविजनल प्रमोट किया है, लेकिन यूजीसी ने ऐसा कहा है कि आप जनरल प्रमोट भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर की क्लासेस के आधार पर, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आप विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट भी कर सकते हैं। वैसे तो राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन आ चुकी है, राजस्थान विश्वविद्यालय की गाइडलाइन आ चुकी है, लेकिन चाहे तो सरकार परिवर्तन कर सकती है, जो गाइडलाइन आई है उसमें संशोधन कर सकती है। तो हो सकता है गाइडलाइन में संशोधन हो, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन सर्वोपरि होती है सभी विश्वविद्यालयों के लिए। लास्ट सेशन भी राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन में परिवर्तन किया था और ऐसा ही कुछ हुआ था कि गाइडलाइन बाद में आई थी और सरकार ने पहले ही फैसला लिया था। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, तो हो सकता है सेकंड ईयर वाले बच्चों को जनरल प्रमोशन मिल सके, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज भी ऑटोनोमस होती हैं, अपने स्तर पर निर्णय ले सकती हैं। यूजीसी ने कोई ऐसे अनिवार्य नहीं कहा कि भाई आप अनिवार्य रूप से सबको ही प्रमोट करना होगा, आप अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं अपनी स्थितियों को देखते हुए। कोविड-19 के चलते आपकी स्थितियां कैसे हैं, कोविड ज्यादा है कम है, केसेस ज्यादा हैं कम है, उस हिसाब से आप फैसला ले सकते हैं। तो यहां पर हो सकता है कि फैसला लिया जा सकता है, सेकंड ईयर को भी जनरल प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, क्योंकि सेकंड ईयर वाले बच्चों को पहले प्रमोट किया जा चुका है, पहले लास्ट सत्र में प्रमोट किया जा चुका है। हमारे शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने साफ साफ कहा था कि ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, तो बच्चों को 2 साल की एग्जामिनेशन में बैठना बहुत जरूरी है, तभी जाके उसको डिग्री मिलती है। इसलिए यहां पर आपके एग्जाम के चांस ज्यादा बनते हैं, लेकिन सरकार चाहे या यूनिवर्सिटी चाहे तो आपकी एग्जाम को रुकवा भी सकती है, आपको जनरल प्रमोट भी कर सकती है। तो वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर, अभी फिलहाल जो राजस्थान की गाइडलाइन है वही सर्वोपरि मानी जाएगी। वही मैं बात करूं नए सत्र के लिए क्या गाइडलाइन आई है यूजीसी की, तो नए सत्र के लिए जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है उसमें साफ साफ कहा है यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए, सभी कॉलेज के लिए, कि जल्द से जल्द नए सत्र को स्टार्ट किया जाए, एडमिशन स्टार्ट किए जाए और पढ़ाई भी स्टार्ट की जाए, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी परिस्थितियां अपने क्षेत्र की उसके हिसाब से बच्चों की जो पढ़ाई है वो जल्द ही स्टार्ट की जाए, जैसे कि अगला सत्र प्रभावित नहीं हो। तो यहां पर सभी विश्वविद्यालयों को, सभी कॉलेज को जल्द से जल्द पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी सभी क्लासेस की, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो। इसके अलावा फाइनल ईयर की एग्जाम 31 अगस्त से पहले करानी होगी, और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों प्रमोट हो चुके हैं तो उनकी पढ़ाई जल्द ही, ऑनलाइन तो चली रही है, ऑफलाइन भी आपकी जारी हो जाएगी। यूजीसी ने यह भी कहा है कि परिस्थिति अगर सामान्य है तो आप ऑफलाइन भी जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन भी कॉलेज ओपन करके बुला सकते हैं, ऐसे बोल दिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि सेकंड ईयर को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय की
पहले ही गाइडलाइन आ चुकी है, पहले ही उस शिक्षा विभाग की गाइडलाइन आ चुकी है, तो उन्हें प्रोविजनल प्रमोट किया है। तो यही कुछ गाइडलाइन में कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया है नए सत्र के लिए भी और एग्जामिनेशन को लेकर भी। और भी कोई आपका कोई डाउट हो यूजीसी गाइडलाइन में, आपने कोई भी पॉइंट पढ़ा हो, आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, वहां पर आप डीएम कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।